आज हम आए मनीष मार्केट में SS गेम्स के पास। सीराज भाई, आज आप ये जो दिखाने वाले हैं कि कौन सा PS4 है और इसका जो आप क्रैकिंग दिखाने वाले हैं, तो ये इसका दिखा दीजिए कौन सा वर्जन है। ये देखो, उसके लिए सबसे पहले हमको सेटिंग में जाना है। ओके। और सेटिंग में जाने के बाद में हमको सिस्टम इन्फॉर्मेशन चेक करना है। ओके। ठीक है, ये देखो 9.00 है। इसको दो तरीके से हम इसको जेल ब्रेक कर सकते हैं। Okay. पहले इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं और विदाउट फॉर्मेट भी हम इसको कर सकते हैं। Okay. तो हम इसको सबसे पहले फॉर्मेट कर लेते हैं। जैसे कि अभी ये PS4 वाला स्लिम मॉडल है, तो इसके चार्जेस कितने होते हैं क्रैक के? ये उसके साथ में एक पेन ड्राइव भी देना पड़ता है। Okay. और पेन ड्राइव के साथ में मैं 1000 रुपीज चार्ज करता हूँ इसका। Okay. और गेम्स का? गेम्स का 100 रुपीज पर गेम्स। वाओ। ये जो प्रोसेस चल रहा है, हाँ, इसको ये क्या मैं इसको जा रहा हूँ पूरा फॉर्मेट करने के लिए। पूरा ये क्लीन हो जाएगा पूरा। हाँ, रिस्टोर हो जाएगा पूरा। तो ये जो PS4 Pro है उसमें भी यही मैटर करता है कि सेम यही प्रोसीजर है। कोई भी चाहे फैट PS4 हो या स्लिम हो या प्रो हो, सबको इसी तरीके से हम उसको जेल ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन वर्जन 9.0 के नीचे, हाँ, अगर वर्जन 9.00 है तो हम उसको कुछ अपडेट नहीं करना पड़ेगा। अगर उसके नीचे है, कोई भी 9.0 के नीचे है, तो उसको हमको पहले 9.00 बनाना पड़ेगा। लेकिन ये सिस्टम ऑलरेडी 9.00 है, इसकी वजह से हम इसको डायरेक्ट जेल ब्रेक कर सकते हैं, अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर लाइक ऐसा चांस है कि कोई वर्जन है 9.3 या 9.4 है, तो उसको डाउनग्रेड कर सकते हैं? नहीं, वो भी डाउनग्रेड का उसका नहीं आया है। और ये जो लाइक ये जो आप जो क्रैकिंग कर रहे हो, लाइक इसका अपडेट जो नेट से क्रैक होता है कि लाइक पेन ड्राइव से भी कर सकते हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ता है। विदाउट इंटरनेट तो नहीं होगा, फर्स्ट टाइम करना पड़ता है। और एक बार क्रैक करने के बाद हम लाइक नेट PSN सर्विसेज ये सब यूज कर सकते हैं कि नहीं, ये सब ब्लॉक हो जाएगा खाली? जेल ब्रेक वाले सिस्टम अगर इंटरनेट को कनेक्ट नहीं करते हैं तो अच्छा होगा, बेस्ट है। ओके, अपडेट कर देंगे तो ये ऑफिशियल हो जाएगा। और इसमें जो है जेल ब्रेक वाले जो अंदर इनबिल्ट लोडेड गेम्स रहेंगे वो आप नहीं खेल पाएंगे। अब देखो ये फुल्ली फॉर्मेटेड हो गया। ओके। अब इसको सबसे पहले हमको क्या करना है, सेटिंग में जाना है, ऑटोमेटिक बंद करना है। ऑटोमेटिक डाउनलोड जो है ना ये, ओके, ये हमको अनटिक कर देना है, सब जितने सबको अनटिक कर देना है। उसके बाद में नेटवर्क में जाना है, सेटअप इंटरनेट कनेक्शन, ओके, यूज वाईफाई या जो कुछ है आप उनका कर सकते हैं। अब हमको यहाँ कस्टम करना है, लाइक ये जो अभी जो प्रोसेस चल रहा है, लाइक इसको हॉटस्पॉट से या वाईफाई से कनेक्ट करना ही पड़ता है? हाँ, करना ही पड़ता है, जो है उसको चूज करना है। ओके। ठीक है, कोई सर्विसेज में कितने साल हुए जो गेम्स के सब? मेरे को 20 इयर्स हो गया ये आने के बाद में, इंटरनेट कनेक्ट होने के बाद में। फिर हमको यहाँ प्राइमरी एंड सेकेंडरी DNS डालने पड़ते हैं। इंटरनेट का जो है सेटिंग अपडेट, ये सेटिंग अपडेट हो गया। ओके। फिर से सेटिंग में जाना है, यूजर गाइड में ओके करना है, फिर दोबारा यूजर गाइड में ओके करना है। ओके। ये देखो। ओके। हाँ, कैचिंग हो रहा है, ये हो रहा है, जेल ब्रेक हो रहा है। हाँ, इसको 100% होना चाहिए के बाद 100%। फिर यहाँ 9.00 पे हमको ओके करना है, फिर ऑल कैच करना है। ओके, कैच ऑल करेंगे, ये भी 100% हो जाएगा। कैच एंड सक्सेसफुली आ गया ना, मीन्स ये जेल ब्रेक हो चुका है। हो चुका। ठीक है, ये हो गया, हमको PS दबा के बाहर आ जाना है। ये होने के बाद में हमको नेटवर्क जो है अनटिक कर देना है। ओके। अभी इंटरनेट का काम खत्म हो गया, अब यहाँ लगेगा पेन ड्राइव का काम। उसके लिए फिर से सेटिंग में जाना है। ओके। सेम प्रोसीजर यही, यूजर गाइड में जाना है, ओके करेंगे, दोबारा करेंगे, यहाँ गोल्ड हैंड आ गया, गोल्ड हैंड पर ओके करना है। थोड़ा 10 या 15 सेकंड लेगा, लिख करके आएगा इंसर्ट USB नाउ। ये जो पेन ड्राइव यूज करते हैं वो उसको स्पेशल पेन ड्राइव है उसका, लाइक? हाँ, स्पेशल है उसको। ओके। बनाना पड़ता है, ये पेन ड्राइव है, ये आ गया इंसर्ट USB नाउ। उसके बाद में हमको दोनों पोर्ट में से किसी में भी इंसर्ट करना है। 10-15 सेकंड फिर से लेगा, यहाँ ये आएगा, दिस USB स्टोरेज डिवाइस फाइल सिस्टम अनसपोर्टेड। ये जैसा हटेगा ना, उसके बाद में हमको ओके कर देना है X बटन से। यू आर ऑल सेट आ गया। Okay. ये गोल्डन लोड हो गया, मीन्स ये सिस्टम रेडी हो गया। अभी हमको PS बटन प्रेस करके बाहर आ जाना है, को हार्ड डिस्क लगा करके हम गेम्स को कॉपी कर सकते हैं। ओके। अभी ये डायरेक्ट खाली कॉपी करना बचा है? बस कॉपी और पेस्ट करना। इतना सिंपल प्रोसेस है ये। इसको कॉपी करने के लिए हमको फिर से सेटिंग में जाना है। ओके। सेटिंग में जाने के बाद में
गोल्ड हैंड पे ओके करना है, डीबॉक्स सेटिंग, पैकेज इंस्टॉलर, ये बहुत सारे गेम्स आ गए। अगर हम इसको फीफा कर देते हैं, वारंटी भी देते हो रिपेयरिंग के ऊपर? हाँ, वन मंथ में बोलता हूँ कि टेस्ट करो, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो फ्री में करके मिलेगा, तो जो चीज मैंने फिक्स किया है वो चीज का। सर आपका नाम? मेरा नाम सिराज। ये जो शॉप का थोड़ा एड्रेस, ये मुंबई के मस्जिद बंदर स्टेशन के पास में है, क्रॉफर्ड मार्केट। क्रॉफर्ड मार्केट के पास एक भारत पेट्रोलियम, उसके अपोजिट में ही मॉडर्न मार्केट, शॉप नंबर 7। यहाँ पे डिलीवरी लेते हैं क्या, लाइक डिलीवरी पिकअप? ये हाँ है, ऑल ओवर मुंबई में पिकअप एंड डिलीवरी है। अगर हमको कॉल किए तो हम बंदे को भेज करके वहाँ से पिक और फिक्स करके उनके पास भेज देंगे, चेक करें प्रॉपर हो जावे, सेटिस्फाइड हो जावे, उसके बाद में पेमेंट कर सकते हैं। PSN भी ब्लॉक भी हो सकते हैं क्या? हाँ, ये हो सकता है, अगर ये कनेक्टेड है जाके, फिर जेल ब्रेक है और इंटरनेट से कनेक्ट करके ऑनलाइन जाके गेम्स खेलने की कोशिश करेंगे तो ब्लॉक तो हो सकता है। तो जैसे कि देखिए, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, यहाँ FIFA 23 आ गया, बस अब एंजॉय करो। तो ये मत समझिए, निकाल सकते हैं अब वो जो हैंडल, ये FIFA 23 है, मैं डिस्क अंदर डाल रहा हूँ, देखो ये FIFA 18 है, FIFA 18 ये अंदर डाल रहा हूँ, ये जा रहा है, ये अभी भी गेम चल रहा है। इनका चैनल का नाम है DJN Tech, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।